रवीना टंडन का जन्म 26 अक्टूबर 1974 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। रवीना का पिता का नाम रवि टंडन है जो पेशे से एक निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। इनकी माँ का नाम बीना टंडन है। रवीना का नाम इन्हीं के माता पिता के नाम से बनाया गया था। रवि और बीना को जोड़कर रवीना टंडन नाम रखा था। रवीना का एक भाई है जिनका नाम राजीव टंडन है। राजीव जी भी पेशे से एक अभिनेता है। रवीना ने अपने स्कूल की पढ़ाई जमाइन बाई जैसी स्कूल मुंबई से पूरी की थी। इसके बाद इन्होंने मीठी बाई कॉलेज मुंबई में अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए दाखिला लिया। रवीना को अपने कॉलेज के दूसरे साल में कॉलेज छोड़ना पड़ा था क्योंकि लोग के बीच इनकी लोकप्रियता को देखते हुए कॉलेज की प्रशंसा ने इन्हें ऐसा करने को कहा था। रवीना को बचपन में आईपीएस ऑफिसर या पायलट बनना था। इन्होंने कभी भी अभिनेत्री बनने की कल्पना नहीं की थी। रवीना टंडन की फिल्मों की शुरुआती सफर। रवीना ने फिल्मों में अपनी अभिनय की शुरुआत साल 1991 से की थी। रवीना ने अपने कॉलेज के दौरान एक कंपनी में इंटर्नशिप की थी जहां सभी ने इनकी सुंदरता की तारीफ करते हुए इन्हें फिल्मों में अभिनय करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस कंपनी के मालिक के कहने पर रवीना ने अपनी पहली फिल्म पत्थर के फूल में अभिनय करने के लिए हामी भर दी। रवीना ने इस फिल्म में अभिनेता सलमान खान के साथ मुख्य किरदार को दर्शाया था। फिल्म के निर्देशक अनंत थे और फिल्म में बॉक्स ऑफिस में बेहतरीन कमाई भी की थी। साल 1992 में रवीना फिल्म जीना मना तेरे संग में अभिनय किया था। निर्देशक विजय रेड्डी थे और फिल्म में रवीना आशा नाम के किरदार को दर्शाया था। इस फिल्म में रवीना ने अभिनेता संजय दत्त के साथ अभिनय किया था। साल 1993 में सबसे पहले रवीना ने फिल्म नशा में अभिनय किया था। साल 1998 में रवीना ने फिल्म आंटी नंबर 1 में भी काम किया। इस फिल्म में रवीना के साथ मुख्य किरदार को कादर खान और गोविंदा ने अभिनय किया था। इस फिल्म के बाद रवीना को इस साल अगली हिट फिल्म नाम घरवाली बाहरवाली था। रवीना ने अपने अभिनय की वजह से कई सारे अवार्ड्स को भी अपने नाम किया। साल 1992 में फिल्म पत्थर के फूल के लिए लक्स यू फैंस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। साल 2002 में फिल्म दमन एक ट्रियम ऑफ मटेरियल वायलेंस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। रवीना टंडन के लव लाइफ की बात करें तो इन्होंने 1990 के दशक में सबसे पहले अभिनेता अजय देवगन को डेट किया। इसके बाद साल 1994 में रवीना का नाम अक्षय कुमार के साथ जुड़ने लगा। दोनों ने एक दूसरे को लगभग 3 सालों तक डेट किया और फिल्म मीडिया में खबर आई कि रवीना अक्षय से चुपके से सगाई भी की। हालांकि इन खबरों को झूठे बताया गया। साल 1997 में अक्षय और रवीना अलग हो गए थे। रवीना टंडन 22 फरवरी 2004 में बिजनेसमैन अनिल टंडानी से शादी की थी। अनिल और रवीना का एक बेटा है और एक बेटी है। इनके बेटा का नाम रणवीर टंडानी है और बेटे का नाम राशा टंडानी है। रवीना ने 2 लड़कियों को गोद भी लिया है जिनका नाम पूजा और छाया है। रवीना के पसंदीदा चीजों की बात करें तो इन्हें खाने में ढोकला, तंदूरी पनीर और तंदूरी चिकन पसंद है। सिद्धिता अभिनेता संजय दत्त और गोविंदा ऋषि कपूर जैकी श्रॉफ है। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।